बैठने की क्षमता वहां पर पहले से मौजूद है। इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, जूडो, रेसलिंग, अन्य तमाम प्रकार की खेल गतिविधियां एक साथ संचालित की जा सकती हैं। स्वाभाविक रूप से इस इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन जब हो रहा है, मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है। हम लोगों ने मार्च द्वितीय सप्ताह से प्रदेश के अंदर वैश्विक महामारी कोरोना को ध्यान में रख करके पहले चरण में लॉकडाउन लगभग 2 महीने रहा, इसके बाद भी कोरोना के संक्रमण को देखते हुए एक प्रयास किया गया कि किसी भी स्थिति में कोरोना के संक्रमण को रोकना है, और इसे रोकने के क्रम में खेल गतिविधियां लगभग बंद सी पड़ी हुई है। उन स्थितियों में प्रदेश के अंदर एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन जो आज यहां पर रेसलिंग फेडरेशन के सहयोग से आज यहां पर संपन्न हो रही है, वह हम सब के लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का क्षण है। स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम के साथ ही हम प्रदेशवासियों को और खासतौर पर गौतम बुद्ध नगर के वासियों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेल प्रेमियों के लिए एक बहुत अच्छे इंडोर स्टेडियम के साथ साथ इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो रेसलिंग फेडरेशन के तत्वाधान में आयोजित हो रही है, यह भी यहां पर उपलब्ध करा रहे हैं। हम समझ सकते हैं जितने भी हमारे यहां पर पहलवान हैं, स्वाभाविक रूप से 10 महीनों से उनके मन में यह अभिलाषा रही होगी कि उनको नियमित प्रैक्टिस के लिए कब शासन स्तर पर सुविधा प्राप्त हो पाएगी। देश ने कोरोना प्रबंधन में जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है, अब वैक्सीनेशन के बाद हम लोग सभी गतिविधियों को पूर्व की भांति प्रारंभ करने के लिए पूरी तरह तैयार हो रहे हैं। 15 फरवरी तक हम लोग पहले चरण के टीकाकरण के कार्यक्रम को संपन्न कर देंगे। 15 फरवरी से द्वितीय चरण का टीकाकरण का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, और हर हाल में हमारा प्रयास होगा कि भारत सरकार ने जो टीकाकरण के लिए मानक तय किए हैं, जो गाइडलाइन तय की है, उसके अनुरूप हर जरूरतमंद तक हम ये सुविधा उपलब्ध करवा सकें। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, कल भी 1 लाख से अधिक जितने हेल्थ वर्कर्स थे, उन लोगों को टीकाकरण की कार्रवाई प्रदेश में संपन्न हुई है। पहले चरण में भी जो टीकाकरण के लिए निर्धारित थे, उनमें से 71% लोगों ने टीकाकरण के इस कार्यक्रम को प्रदेश के अंदर इससे आच्छादित होकर के इसका लाभ प्राप्त किया है। अब हम लोग इसके बाद टीकाकरण की कार्रवाई संपन्न होने के साथ ही सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रारंभ करेंगे, और मैं रेसलिंग फेडरेशन को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता ये पहली बार यहां पर कोरोना के बाद आयोजित हो रही है, और खासतौर पर यह इंडोर स्टेडियम एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता के साथ जुड़ रही है, जिसमें अनेक हमारे जो उभरते हुए पहलवान इस प्रतियोगिता में वहां पे भाग ले रहे हैं, जिसमें जो सिल्वर मेडल 2016 के एशियन जूनियर प्रतियोगिता मनीला के जो सिल्वर मेडल से सम्मानित हुए थे, श्री राहुल, SSBCA से पंकज, ये 2018 के वर्ल्ड सीनियर प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया, यासर डांगो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया था, महाराष्ट्र से एशियन जूनियर ताईचुंग हैं, हरियाणा से अमन हैं, हरियाणा से ही अमित हैं, महाराष्ट्र से नरसिंह यादव हैं, जितेंद्र हैं, उत्तर प्रदेश से गौरव बालियान हैं, विनोद कुमार हैं, सुमित हैं, ये अनेक ऐसे पहलवान हैं जो इस प्रतियोगिता में यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं।
ये प्रतियोगिता प्रदेश के